दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों होली आने वाली है और होली है रंगों का त्योहार, और बिना रंगों और पिचकारी के तो होली बेकार है। और अगर आप लेना चाहते हैं एक बेहतरीन पिचकारी तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो काफी मजेदार होने वाला है और आपको जरूर पसंद आएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और खोलते हैं हम अपनी ये डोरेमोन की पिचकारी। ये पिचकारी आपको इजीली मार्केट में या अगर ना मिले तो ऑनलाइन तो मिल ही जाएगी, आप वहाँ से इसको खरीद सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से खोलते हैं अपनी ये डोरेमोन की पिचकारी। और इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं और यहाँ से खुल गया है और इसमें से हम अपनी पिचकारी को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी पिचकारी को काफ़ी आराम से निकाल लिया है और ये पिचकारी देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। आपको ये पिचकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसमें जो पाइप लगा हुआ है इसको हम इस टैंक से कनेक्ट कर देंगे और इस तरह से हमें यहाँ इसको जोड़ना है और इसके ऊपर हम इस पाइप को लगा देंगे और इसको घुमाते हुए हमें इसको ऊपर लगा देना है। और ये यहाँ पर बहुत अच्छे से लग चुका है और बिल्कुल देख लीजिएगा आपके यहाँ से पानी लीक ना हो, बहुत अच्छे से टाइट हो जाइए। पाइप में पड़े हुए ये हम राउंड्स को निकाल लेते हैं ताकि हमारा जो पाइप है पूरा एकदम प्लेन हो जाए। और आप ये देख सकते हैं पीछे इसमें से हम इसमें रबड़ निकाल लेंगे। इसको आप अपने शोल्डर्स पर कैरी कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी बेल्ट दी हुई है। इसको हम यहाँ से निकाल कर खोल लेते हैं और इसमें काफ़ी अच्छी बेल्ट्स दी हुई हैं जो कि छोटे और बड़े सभी बच्चों पर आसानी से फिट हो सकती हैं और आप इसे अपने साइज के अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ इसके ऊपर इसका कैप दिया हुआ है, यहाँ से हम इसको खोल लेंगे और इसी के अंदर ही आपको पानी है अपना जो वाटर कलर है वो भरना है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये नोबिता और सुजुका बने हुए हैं और देखने में काफ़ी अच्छा है। ये डोरेमोन की पिचकारी यूज कीजिए और अपने दोस्तों में छा जाइए। पिचकारी कुछ हटके है और काफ़ी मज़ेदार है और आप इस पिचकारी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये कैसी लगी बताइएगा। और इस पिचकारी की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसको यहाँ आगे पुल करके पुश करना है जिसमें से कि आगे से इसमें कलर निकलेगा और ये चलाने में भी काफ़ी स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसको चलाने में। छोटे या बड़े बच्चे सभी इसको चला सकते हैं। और यहाँ पर इसका कैप खोलकर हमें इसमें पानी भरना है, इसके लिए हम अपना वाटर कलर तैयार कर लेते हैं। और यहाँ मैंने लिए हैं ये वाटर कैप्सूल जो कि हाँ आजकल बहुत ट्रेंडी है। इसको आपको बस पानी में डालना होता है और आपका कलर तैयार हो जाता है। तो यहाँ मैंने 2 कैप्सूल लिए हैं जिनको मैं पानी के अंदर डाल देती हूँ और इसको थोड़ी देर रख देते हैं, उसके बाद आपका कलर तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अपनी पिचकारी में इस कलर को डालते हैं और देखते हैं ये कैसी चलती है। तो ये हमारा ब्लू कलर का वाटर तैयार हो गया है, इसको मैंने ज़्यादा कलर नहीं इसके अंदर डाला है और इसको हम इसके अंदर भर कर तैयार कर लेते हैं। और अब इसके कैप को हम बंद कर लेते हैं अच्छे से। पिचकारी के वाटर टैंक को अपने शोल्डर्स पर भी हैंग कर सकते हैं और इसको इस तरह आपको पुल करके पुश करना होता है और इसका पानी देख सकते हैं इसमें काफ़ी दूर तक ये पानी जाता है, काफ़ी प्रेशर से जाता है। तो ओवरऑल ये पिचकारी काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी पसंद आई। छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी है, इसको पुल करके पुश करना भी काफ़ी आसान है और काफ़ी स्मूथली ये चलती है। और साथ ही पिचकारी की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। आपको ये पिचकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अपने होली सेलिब्रेट कीजिए इस तरह के मज़ेदार पिचकारियों के साथ। तो आज के वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।